हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन ने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख रहे थे। फर्स्ट एलिमेंट ट्रांजिशन में कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने कवर कर ली। अब आपकी केवल एक प्रॉपर्टीज रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि डीप लो के एलिमेंट्स की क्या होती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। वही अपने को देखने हैं किस प्रकार के लिगेंड को अप्रोच करता है और किस तरीके के करता है और किस तरीके के आपके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो डी ब्लॉक के अब तक अपन ने देख ली है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख ली। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्लस आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। और तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो जैसी होती है उसे वैसे ही याद रखना होगा अपने को, है ना। उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपकी ये प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स के साथ अलग अलग तरीके से अप्रोच कर पाता है कोई भी एलिमेंट, है ना। तो वो अपने को देखना है कि किस तरीके से अप्रोच कर पाता है। ओके, तो अपन डी ब्लॉक के अगर पूछा जाए कि डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कैसी टेंडेंसी होती है, तो अपन बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कितने कोऑर्डिनेशन नंबर तक बना पाता है। मैंने जब पहले पिछले लेक्चर में भी कहा था आपको कि आपको अगर आपने अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पढ़े हैं तो पहले वो देख के आओ, फिर ये देखना है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से कुछ आइडिया वहीं से मिलेंगे। यहाँ सब कुछ कवर नहीं होने वाला, बस आपको ये याद रखना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ये लेकर अपन यूज़ कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन देख रहे हैं कोई मेटल होगा वो लिगेंड के साथ अट्रैक्ट होगा, है ना। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जबकि लिगेंड क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन अपने पास, लिगेंड देगा, और ग्रहण कौन करेगा, मेटल करता है। तो अब बात आती है संकुलन की। इसमें देखा जाए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखा, देखो ओवरऑल बात कर रही हूँ मैं, किसी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट को ही कंसीडर नहीं कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ कि इसमें कितना होता है। ओके, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, तो आपके पूरे आउटस्टैंडिंग के अंदर बात करें कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, क्या एस में होती है, क्या पी में होती है, क्या डी में होती है, क्या एफ में होती है, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही पाई जाती है। और बात करें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने अप्रोच कर पाता है, यानी कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर तक ये कॉम्प्लेक्स बना पाता है, तो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं मोस्टली, कितने वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 5-6 तक होता है, लास्ट 6-8 तक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर लिगेंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि किसमें सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पाए जाते हैं, तो आपके लेंथेनाइड्स के अंदर पाए जाते हैं, 12 तक 18 तक पाए जाते हैं, कि उनके अंदर 18-18 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले भी होते हैं। ओके, लेकिन डीप लोक के अंदर इतना नहीं होता, केवल अपन मोस्टली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही कॉम्प्लेक्स को पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं ना। तो आपके 6 तक ये बना मोस्ट ज़्यादा बना पाते हैं, ये इजीली अपने को मिल भी जाते हैं और पाए भी जाते हैं। तो अपन देखेंगे पहले कि किस तरीके से लिगेंड के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, कैसा बॉन्ड होता है इनमें, है ना। जब अपन कोऑर्डिनेशन देख रहे थे अपन बता रहे थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, है ना। इस बॉन्ड को अपन कह रहे थे कि ये आपका क्या होगा, उपसहसंयोजक बंध होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है आपके। तीन पर अगर बॉन्ड्स की बात की जाए कि कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो अपने पास अपन मोस्टली बताते हैं कि दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो आयनिक होगा, एक सहसंयोजक होगा। अब आपको पूछा जाए कि आयनिक बंध किसे कहते हैं और सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, तो आयनिक बंध का अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिनके बीच आयनों का आयन्स के अंदर अगर बॉन्ड बने होते हैं आयनिक बंध कहते हैं, और सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं जिसके अंदर समान एलिमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके जो बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं अपन सहसंयोजक बंध। आपको बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ, है ना। एक होता है अपने पास सहसंयोजक बंध, बेसिक है ये आपके, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं ये भर भर के आता है सहसंयोजक बंध, और आपके सेकेंड आता है आपके आयनिक बंध। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है, अपन नॉर्मल अगर
डेफिनेशन में बात करें, अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? अगर दो स्पीसीज या दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन साझा होकर वो बॉन्ड बना रहा है, उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंध कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो आयनिक बंध में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जो बॉन्ड बन रहा है उसे आयनिक बंध कहा जाता है। तो सहसंयोजक में बंध की बात आती है, जैसे पास मैंने H2 ले लिया, H2 के अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर H के अंदर अब जो बॉन्ड बनेगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का साझा होगा। ओके, यानी कि अगर ये जितना ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स को फील कर रहा है उतना ही ये हाइड्रोजन भी उस इलेक्ट्रॉन्स को फील करेगा, यानी कि जितना इसे महसूस हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे भी इतना ही महसूस हो रहा है कि अपने आसपास में दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसे कहा जाता है सहसंयोजक बंध। और आयनिक बंध किसे कहा जाता है, जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल ले लिया, मस्त साहब मैं एग्जांपल है, सबका फेवरेट होता है, जब जब आयनिक बॉन्ड की बात आती है कि आयनिक बंध किस में पाया जाता है तो अपन NaCl का एग्जांपल लेते हैं ना, क्योंकि ये सबको याद रहता है, सबका फेवरेट भी है। तो Na+ होगा अपना और ये Cl- होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने की बात आती है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है एक दूसरे से। बट यहाँ क्या करेंगे, क्या होगा, इसमें एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे, ये इतनी दूर जितनी दूर चलेगा यह हाइड्रोजन भी उतनी ही दूरी तय करेगा, दोनों के बराबर होंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों के बराबर होंगे। बट जब NaCl की बात आती है कि NaCl का निर्माण कैसा होगा, अब आप बोलोगे कि अगर Na का और Cl का भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लें, यानी कि Na भी केवल अपन उदासीन फॉर्म में ले लें और Cl भी उदासीन फॉर्म में लेंगे, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड्स फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, हाँ, तो अपन कहते हैं कि NaCl और Cl हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग देख रहे थे ना, जब अपन H2 की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, जितना दो हाइड्रोजन है मान लो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो दोनों पास पास में आएंगे और साथ साथ आएंगे, तो जितना ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को फील करता है उतना ही ये कर पाता है। अब आप बोलोगे कि Na को उदासीन ले लें और Cl को भी उदासीन ले लें फिर देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन, बट ऐसा नहीं होता है, पहले क्या करेगा, इसमें सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, जब NaCl का निर्माण होता है तो सोडियम पहले अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो क्या होगा, ये Na+ में कन्वर्ट होगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और Cl से जब बॉन्ड बनाएगा Cl क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने को मिल रहा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद वो क्या बनाएगा, Cl- बनाता है। ओके, तो पहले तो ये रिएक्शन होगी, देन फिर अपने पास NaCl का निर्माण होगा। तो NaCl में क्या होगा कि एक तो प्लस में है और एक Cl- में है, तो सोडियम का कोई कंट्रीब्यूट नहीं है यहाँ, क्योंकि इसके पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये दे भी नहीं सकता क्योंकि स्टेबल में आ गया, स्टेबिलिटी ले ली इसने, तो अपनी ये इसने अक्रिय गैसों का विन्यास धारण कर लिया, बट इसके अंदर Cl के अंदर क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इसे कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा किस तरीके से करेगा, Na और Cl, मान लो कि Cl, यानी कि फिर भी ये क्या करेगा, अपनी ही तरफ रखेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये क्या करेगा, अगर दोनों को बोला जाए कि किस किस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो इसे तो उतना फील नहीं होगा कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन है, बट Cl के पास, Cl को लगेगा कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, Cl को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे बट इसके सोडियम को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये होता है आयनिक और सहसंयोजक बंध की डेफिनेशन। और अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में देखा जाए कि इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता, और क्योंकि हर जगह अपन जैसे HCl का मान लें, अगर HCl को देखा जाए तो अपन बोल सकते हैं कि H+ और Cl में ब्रेक, और Cl- में ब्रेक किया जाता है तो अपन इसे आयनिक बंध बताते हैं, लेकिन ये आयनिक बंध नहीं होता, ये क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो अपने पास एक नई डेफिनेशन आती है जिससे अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। किस तरीके से, और वो डेफिनेशन आपको सबको आती है लगभग, देखो वह अणु, देखो अपन जैसे जो आयनिक बंध की बात करें तो किसी अणु के अंदर ही करेंगे क्योंकि उसी के अंदर बॉन्ड बनेगा, एटम में तो बनने से ना, वह अणु जिसके अंदर
उस बंद के अंदर यानी कि जो स्पीसीज लगी हुई है अपनी, मान लो यहाँ अपने CH4 ले लिया, CH4 के अंदर क्या हो गया अपने पास हाइड्रोजन हो गए कार्बन के चारों, वह अणु जिनके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है उनके भी जो एटम पाए जाते हैं यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, देखा जाए कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत कम होना चाहिए यानी कि लेस देन 1.7 के आसपास, यानी कि 1.7 से अगर किसी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर पाया जाता है उससे कम पाया जाता है, 1.7 से कम पाया जाता है, किसी बुक में आपके 1.6 भी दे रखा है, 1.7 या 1.6 कोई भी ले सकते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट कम होता है उनके अंदर हमेशा से संयोजक बंध बनते हैं, या जीरो भी बता सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट जीरो होता है यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, अगर इनके बीच में कमी होती है तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या होता है आपका सहसंयोजक बंध पाया होता है। जब आयनिक बंध की बात करते हैं तो क्या होता है कि 1.7 से क्या होगा ज्यादा होगा उसके अंदर, 1.7 से ज्यादा अगर किसी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर पाया जाता है तो उसे कहा जाता है कि उसके अंदर आयनिक बंध होता है। अगर ये वैल्यू याद ना हो तो अपन कह सकते हैं नॉर्मली कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर आयनिक बंध पाया जाएगा, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस की बात हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात हो रही है ये है ना, जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है उनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब बात आती है कि उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं अपने, उपसहसंयोजक बंधों के अंदर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही होता है, यहाँ शेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है प्लस चार्ज होता है और जो अपना लिगेंड होगा उसके ही इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करने, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनेगा, तो ये होगा अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अगर डेफिशिएंट है कोई और ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे कहा जाता है एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे कहा जाता है बेस। ओके, ये हो गए अपने डेफिनेशन। अपन ने तीनों देख लिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब अपन पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में संकुलन यानी कि कोडिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी किस तरीके की होती है। अपने कहा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्योंकि क्या होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है मान लो इसके पास कोई लिगेंड है, लिगेंड के पास लोन पेयर ही है, तो इन दोनों लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड बनेगा यानी कि मेटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब अपन देख रहे थे वहाँ NaCl की बात कर रहे थे तो NaCl में कहा कि यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला उसी को ये ग्रहण किया है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये कोई इलेक्ट्रॉन अगर त्याग भी रहा है तो वो यूज इससे नहीं हो रहे, इसका तो केवल खुद का इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसके खुद के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेटल नहीं दे रहा है इसमें, इसीलिए इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि लिगेंड किस किस प्रकार के होंगे, मेटल किस किस प्रकार के, मेटल अपना कोई सा भी हो सकता है, आप डीप लोक के एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ले लो या आप सेकेंड ले लो या थर्ड ले लो, है ना। लिगेंड्स की मेन प्रॉपर्टी होती है कि लिगेंड्स किस तरीके का होगा, लिगेंड्स क्या आपके पाई एक्सेप्टर होगा, पाई डोनर होगा, या किस दासी लिगेंड का, आपके तीन प्रकार के लिगेंड अपन ने पढ़े थे, एक तो अपन ने पढ़ा था धनायन लिगेंड था, एक ऋणायन लिगेंड था, एक उदासी लिगेंड था। मोस्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए अपने पास क्या होते हैं उदासी लिगेंड और ऋणायन लिगेंड यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो लिगेंड्स के बारे में वहाँ देख लिया था, आपके जितने भी उदासी लिगेंड है उनके कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, मोस्टली आपके कार्बोनिल समूह के। कार्बोनिल समूह का क्या होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कार्बोनिल समूह का, यहाँ क्या होंगे कार्बन के पास लोन पेयर होंगे, तो क्योंकि इसने दो तो बॉन्ड बना लिए, अब दो इलेक्ट्रॉन है यही तो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी मेटल के साथ, है ना, बॉन्ड बनाने के अंदर। तो अपन देखेंगे कि कार्बोनिल समूह का किस तरीके से अप्रोच करता है। ओके, तो अपन
देख रहे थे इनके अंदर अब लिगेंड्स की प्रॉपर्टी देखेंगे कौन कौन से इस तरह किस तरीके के बॉन्ड। इसमें देखो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है बेक बॉन्डिंग का, है ना। एक मिनट, बॉन्ड किस तरीके से बनेगा आपके, कोई मेटल होगा, मेटल लिया अपने, मेटल के साथ लिगेंड होगा, लिगेंड क्या होगा बॉन्ड बनाएगा। और पहले तो इसने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना लिया। अब लिगेंड के पास मान लो खाली ऑर्बिटल्स है, है ना, खाली ऑर्बिटल्स है, जबकि आपके पास लिगेंड और एटम के पास क्या है भरे हुए डी ऑर्बिटल्स है, इस तरीके से भरे हुए। ओके, और बट आपके लिगेंड के पास खाली है तो क्या होगा, लिगेंड्स दो प्रकार के आपके, एक तो लिगेंड्स के टाइप्स देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड बनाए, यानी कि वो लिगेंड जो सिग्मा केवल सिग्मा ही बना पाते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन। जो भी आपके हेलोजन्स हैं वो मोस्टली आपके क्या रहते हैं सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण कर पाते हैं। ओके, और अगर आपके देखा जाए कि पाई बॉन्ड का निर्माण भी होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, वो क्या होता है इनके अंदर, किसके अंदर पाया जाता है, जो आपके या तो क्या होगा पाई डोनर होगा लिगेंड, या आपके क्या होगा सॉरी पाई डोनर होगा या पाई एक्सेप्टर होगा, यानी कि पाई डोनर, यानी कि जो पाई डोनर यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, यानी कि खुद बना रहा है, यानी कि दो प्रकार की कंडीशन होगी। अगर आपके पास अगर पाई एक्सेप्टर होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा वो क्या करेगा पाई को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि जिस मेटल के पास अगर भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करेंगे डोनेट करेंगे इसको। तो अपन कह सकते हैं ये ट्रांसफर किस तरफ से हो रहा है, मेटल टू लिगेंड की तरफ हो रहा है, मेटल टू लिगेंड, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये पाई बॉन्ड बन गया और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया अपना, है ना। और एक कंडीशन ये होगी कि आपके पास क्या होगा लिगेंड टू मेटल होगा, यानी कि आपके लिगेंड के पास क्या होंगे भरे हुए होंगे और मेटल क्या होगा खाली होगा, यानी कि उसके ऑर्बिटल्स होंगे वो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, है ना। तो इनके बीच में किस तरीके का ट्रांसफर होगा, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होगा, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने इसको, इस तरीके से, यानी कि दोनों ही बॉन्ड बना रहा है, वो क्या बना रहा है केवल लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन ही यूज हो रहे हैं। बट आपके पाई एक्सेप्टर में क्या होगा, ये पाई डोनर है, पाई डोनर, और ये आपका क्या हो गया पाई एक्सेप्टर हो गया। पाई एक्सेप्टर में एक बॉन्ड तो क्या होगा लिगेंड कंट्रीब्यूट करेगा, और जबकि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की बात आती है तो वो क्या करता है मेटल कंट्रीब्यूट करता है, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब अपना एक मस्त सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से उसमें संकरण ज्यामिति, वही देखना आपने, कुछ नया नहीं देखना है ना। अपने पास हो गया जैसे कि Cu कॉपर NH3 2+ NH3 4+ ये अपना कोई कॉम्प्लेक्स है। आपको यही गिवन होगा कि अगर कोई एग्जांपल दे देगा उसके बारे में, आपको केवल हाइब्रिडेशन पूछने वाला है, संकुलन पढ़ रहे हैं तो केवल यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका संकुल का निर्माण हो रहा है या कौन सी ज्यामिति पाई जाती है, कुछ नया नहीं होगा इनमें, है ना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले कॉपर को क्या होना है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है किस तरीके से, कॉपर की कितनी होती है +2 है इसमें, सबको निकाल लिया थे, इसे एक्स मानो +4, और अपने को पता है अमोनिया क्या है उदासीन लिगेंड है 0, और ये होगी +2, तो ये कितना हो गया +2 हो गया। ओके, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन +2 हो गई। +2 निकालने के बाद भी अपने को क्या करना है इसमें देखने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कितने में आएगा, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फेरस कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, यानी कि इसका होगा 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए, 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 11 कर रहे हैं तो 11 में से अपने को दो कम करने हैं तो कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे, यानी कि D9 का कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके से अपने को निकालना है कि D9 का कॉम्प्लेक्स है, ये D9 का है तो अपने को डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 डी हो गया, 3D 4S, और ये हो गया 14, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर दिया।
अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा किस तरीके का बनेगा, यहाँ से क्या होगा अमोनिया अटैच होगा, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा, तो इसका अगर देखा जाए कितना हो जाएगा sp3 होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें फिल किया जाता है एपिनेट। तो अपन ने इसमें अपन ने हाइब्रिडेशन निकाल लिया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। और अगर ज्यामिति पूछ जाएगी, ज्यामिति किस तरीके की होगी इसकी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, sp3 संकरण में चतुष्फलकीय होती है। इस तरीके से अपन निकालते हैं, इनके अंदर संकुलन की प्रॉपर्टी निकाली है, संकुलन की भी ज्यामिति निकाली है, वही सारा खेल जो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किया वो सेम का सेम वो का वही रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं रहेगा। ये हो गए अपने संकुलन की प्रॉपर्टी देख ली अपन ने, और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कुछ और प्रॉपर्टी रहेगी तो मैं देखती हूँ इतना। प्रॉपर्टी हो गई कि कलर के बेस पर देखेंगे कि कलर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है डी ऑर्बिटल्स के अंदर, है ना। तो डी ऑर्बिटल्स में कलर का रह गया कि कलर ये लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है कलर। ओके, लास्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बात आती है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर आपके डी ऑर्बिटल है, कोई एटम है, कोई है ना एलिमेंट है। जो एटम है आपका डी ऑर्बिटल्स का वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद में उस कॉम्प्लेक्स का कलर देखा जाता है किस तरीके का कलर होता है। तो इनमें बात आती है कि ये कलर आया क्यों और किसकी वजह से आया है ना। तो सब अपना होता है इसके अंदर डी ट्रांजिशन की वजह से डी ऑर्बिटल्स कलर शो करते हैं। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ कि कौन से कलर लेस होंगे और किसका कलर आएगा, है ना। तो अपने पास D0, D5, D9 और D10 के जो भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, या जो भी आपका अगर आपको गिवन है कोई भी मेटल दिया गया है, उस मेटल का अगर ऑक्सीडेशन या उसकी कॉन्फिगरेशन ये आ रही है इनमें से, तो अपन बताएंगे वो आपका क्या होगा, कलर लेस होगा, कलर लेस होगा। ओके, अगर आपके पास इसके अलावा जो भी कॉन्फिगरेशन आ रही है D1, D2, D3, है ना, तो वो आपका क्या होगा, कलर होता है, है ना। तो इस तरीके से इनमें देखा जाता है कलरलेस और कलर। ये आता क्यों है, जब किसी भी मेटल को विजुअल लाइट के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन का मतलब कि डी और डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग की वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इस तरीके से तीन है यहाँ और ये दो है, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा निम्न कक्षा से उच्च कक्षा के अंदर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही डी ट्रांजिशन होता है, लेकिन वहाँ होनी चाहिए ऑर्बिटल डी और डी ही होने चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। एक रीज़न तो ये है कि इसकी वजह से कलर आता है, दूसरा रीज़न है चार्ज ट्रांसफर को, है ना। इनमें ये पाया गया है कि इनके भी कई बार कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कलर शो कर देते हैं, बट इसका कारण डी ट्रांजिशन नहीं समझा पाता है कि डी ट्रांजिशन की वजह से क्यों हो रहा है, कि इनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है। मान लो आपके D1 है वो क्या कलरलेस होता है, D1 है मान लो कलरलेस होता है, लेकिन कई बार वो क्या कलर शो कर देता है, तो क्यों करता है, उसमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। चार्ज ट्रांसफर का मतलब ये होता है लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, या मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि आपके जब अपने सिग्मा पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स देख रहे थे उनके अंदर ये प्रॉपर्टी मोस्टली पाई जाती है। ओके, तो कलर की बात आती है कि कलर कौन कौन से शो करते हैं आपके, किन किन कौन कौन से आपके पास मेथड होते हैं जिनके द्वारा अपन बता पाते हैं कि ये कलर लेस होगा या कलर्ड होगा। तो होता है, फर्स्ट होता है डी ट्रांजिशन, सेकंड होता है आपका आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से देखा जाता है। ओके, तो अब ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, है ना, मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। ओके,